हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा क्या होता है? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3, मैंने एक नंबर लिखा 3n। अब देखो, इसमें नंबर के साथ हमने एक n लिखा है, ये n जो है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो 3n जो है वो क्या है? 3n जो है वो एक अलजेब्रा का नंबर है। इसी तरीके से मैंने लिखा 4a, अब मैंने 4 के साथ a ले लिया, ये भी क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में कब नंबर के साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट्स ज़रूर होता है। अब जैसे मैंने इसके साथ 3 लिखा, 4a+3, ये अलजेब्रा है। अगर मैं इस तरीके के नंबर को प्लस करूँ, 5b प्लस में 7a, ठीक है, तो ये जितने भी सम्स जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स साथ में दिए हो, तो ऐसे सम्स को, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के सम्स होंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा की पहचान ही ऐसी होगी कि जो नंबर है, नंबर के साथ में कोई ना कोई वेरिएबल होता है। अच्छा, इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं? तो जैसे ए है, ए की प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, तो 4 1 जा 4 हो गया। अब मैंने ए की प्लेस पे अगर 2 रख दिया, तो 4 2 जा 8, कुछ भी हो सकता है ए की प्लेस पे। हमें नहीं पता ए की प्लेस पे क्या है। तो जिस चीज़ के नंबर्स चेंज होते रहते हैं, जो फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल के। तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न। हमें क्या है, कुछ मैचस्टिक्स से जो है कुछ पैटर्न बनाए हैं, तो हमें क्या लिखना है? इसका रूल लिखना है, ठीक है, कि हमने किस रूल्स के थ्रू जो है ये बनाए हैं पैटर्न। अब जैसे पहला है, देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 मैचस्टिक का यूज़ किया गया, 2 मैचस्टिक्स का यूज़ किया गया है। तो इसका अगर मैं रूल लिखूँगा, तो मैं सीधा लिखूँगा 2, और उसके साथ मैंने n ले लिया, नंबर ऑफ 2, तो हमारे पास क्या है, हमने 2 लिया और उसके साथ n ले लिया, यानी n की प्लेस पे 1 रख दोगे, 2 1 जा 2, यानी मैचस्टिक कितनी हमने ली? 2 ली है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर, ठीक है ना, 4 लेटर t। अगर हम t बनाना हो तो उसके लिए भी क्या होगा? 2 चाहिए। अगर मैंने t बनाया, मान लो, तो यहाँ देखो, ठीक है, एक मैचस्टिक ये और एक मैचस्टिक ये, ठीक है, तो 2 मैचस्टिक से बन जाएगा। तो ये हमारे पास रूल हो गया 2n। इसी तरीके से सेकंड देखो, अब ये हमने u बनाया है, क्या बनाया है? u। अब इसके लिए हमने कितने मैचस्टिक यूज़ किए हैं? 1 2 3। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड 4 लेटर u, और u के लिए हम क्या लिखेंगे? 3n, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू लेटर u, 3n। इसी तरीके से v के लिए क्या है? 1 एंड 2। तो इसका जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब इसमें हमने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 के लिए, तो इसका रूल हो जाएगा 5n। p के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5n, ठीक है ना। इस तरीके से जितनी आप मैचस्टिक यूज़ करोगे, उसके साथ में n लगा दोगे, तो हमारे पास रूल आ जाएगा।